Good morning, students. Today we are going to continue chapter 7 of history, development of new religious ideas. So today we will start with the topic Buddhist literature. ठीक है, आज हम लोग Buddhist literature के बारे में पढ़ेंगे इस topic में. The teachings of the Buddha are compiled in the Tripitakas, which literally means three baskets. ठीक है, जो टीचिंग्स थी बुद्धा की वो त्रिपिटकास में कंपाइल कर दी गई, जोड़ दी गई, जिसका मतलब था तीन बास्केट. द त्रिपिटकास आर थ्री बुक्स. त्रिपिटकास जो थी वो तीन किताबें थी, विनाया पिटाका, सुत्ता पिटाका और अभिधामा पिटाका. ठीक है, ये तीन किताबें थी त्रिपिटकास. दीज आर रिटन इन पाली, ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी. The Chataka tales provide information about the life and times of the Buddha and also mention his previous birth. और जो Chataka tales हैं वो provide करती है information, ठीक है, जानकारी provide करती है बुद्धा के जीवन के बारे में और उस time के बारे में और उनके जो पहले का जन्म था, ठीक है, उसके बारे में भी इसमें describe किया गया है. Next topic is spread of Buddhism. अब कैसे Buddhism धर्म जो था वो बाकी जगह पे spread हुआ, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. बुद्धिज़्म वॉज प्रमोटेड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा. बुद्धा की डेथ के बाद जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ठीक है, उनके द्वारा बुद्धिज़्म धर्म का प्रमोशन किया गया, उसे प्रमोट किया गया. इट स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ये भारत के अलग अलग हिस्सों में फैल गया. लेटर इट ऑल्सो स्प्रेड टू अदर कंट्रीज सच एज श्रीलंका, जापान, चाइना, म्यांमार, तिब्बत, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया. और फिर बाद में चल के ये कुछ इन देशों में भी स्प्रेड हुआ, जैसे कि श्रीलंका, जापान, चाइना, म्यांमार, तिब्बत, थाईलैंड और इंडोनेशिया. सो बुद्धिज़्म रिसीव्ड अ लॉट ऑफ पैट्रोनेज फ्रॉम रूलर्स. बुद्धिज़्म धर्म ने सहायता प्राप्त की कई रूलर्स से, ठीक है, कई सारे रूलर्स ने बुद्धिज्म धर्म को की हेल्प की. जो मोस्ट फेमस थे वो थे बीइंग एम्परर अशोका ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, और जो सबसे प्रसिद्ध थे अशोका, एम्परर अशोका, जो कि मौर्यन डायनेस्टी के थे, ठीक है, इन्होंने ज़्यादा मदद की थी बुद्धिज्म धर्म की. सो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, स्तूपास एंड स्कल्पचर्स आर फाउंड इन मैनी प्लेसेस. बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स जैसे कि स्तूपास और स्कल्पचर्स कई जगहों पे पाए जाते हैं. स्तूपास आर हेमिस्फेरिकल डोम लाइक स्ट्रक्चर्स विच कंटेन द सैकर्ड रिमेन्स ऑफ द बुद्धा एंड द वेरियस बुद्धिस्ट मॉन्क्स. स्तूपास क्या है, ये हेमिस्फेरिकल डोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डोम की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि जिसमें सैकर्ड होते हैं, सैकर्ड टेक्स्ट होते हैं बुद्धा के और कई बुद्धिस्ट मॉन्क्स के. द स्तूपास एट सांची, भरहत एंड अमरावती आर सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. अब जो सांची में स्तूपा है, भरहत और अमरावती, ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं स्तूपास के, ठीक है. एज यू कैन सी सांची स्तूपा ओवर हियर. नेक्स्ट टॉपिक इज जैनिज्म. अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ ऑफ महावीर, ठीक है, जो कि फाउंडर थे जैन धर्म के. सो वर्धमान महावीर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द बुद्धा. के वर्धमान महावीर जो कि बुद्धा के टाइम के थे. ही गेव शेप टू आइडियाज विच आर बिलीव टू हैव बीन इन सर्कुलेशन अर्लियर, और इन्होंने उन आइडियाज़ को शेप दिया जो कि उस टाइम पे घूम रहे थे, ठीक है, अर्लियर सर्कुलेशन में थे, ठीक है, उन आइडियाज़ को इन्होंने शेप दिया. ही वॉज बॉर्न इन कुंडाग्राम नियर वैशाली इन बिहार अराउंड 599 BC. इनका जन्म कुंडाग्राम वैशाली के पास बिहार में हुआ था करीब 599 BC में. ही वॉज ऑल्सो अ क्षत्रिय लाइक द बुद्धा. जैसे कि बुद्धा क्षत्रिय कास्ट से थे, वैसे ही ये भी क्षत्रिय से बिलोंग करते थे. हिज फादर वॉज सिद्धार्थ द चीफ ऑफ जनाटिका क्लैन विच वॉज पार्ट ऑफ द वाजी कॉन्फिडरेसी. और जो इनके पिताजी थे, जो इनके फादर थे, वो सिद्धार्थ थे जो कि जनाटिका क्लैन के चीफ थे, जो कि जनाटिका क्लैन जो था वो एक पार्ट था वाजी कॉन्फिडरेसी का. हिज मदर त्रिशला वॉज अ लिच्छावी प्रिंसेस. और जो इनकी माता जी थी, जो इनकी मदर थी, उनका नाम था त्रिशला, जो कि एक लिच्छावी प्रिंसेस थी. वर्धमान वॉज मैरिड टू यशोदा एंड दे हैड अ डॉटर. वर्धमान की शादी जो थी, जो वर्धमान महावीर थे उनकी जो शादी थी वो यशोदा से हुई थी और उनकी एक बेटी थी. एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट हिज होम एंड बिकेम एन एसेटिक.
और 30 ईयर्स की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और तपस्वी बन गए थे। फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स ही वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मेडिटेटेड एंड लेड अ लाइफ ऑफ सीवियर ऑस्टेरिटी इन सर्च ऑफ ट्रू नॉलेज। और अगले 12 साल तक ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे, इन्होंने ध्यान किया और बहुत ही कठोर जीवन जिया, और किसकी तलाश में, सच्चे ज्ञान की तलाश में। सो फाइनली एट द एज ऑफ 42 ही अटेन एनलाइटमेंट एंड केम टू बी नोन एज जिन कॉन्करर और महावीर ग्रेट हीरो, ठीक है। और फाइनली 42 ईयर्स की एज में इन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इन्हें क्या कहा गया, जिना कॉन्करर, ठीक है, योद्धा जिसे कहते हैं, और महावीर ग्रेट हीरो, महान हीरो। सो ही ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ जैनिज्म टिल ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72 इन पावपुरी नियर राजगृह इन बिहार, ठीक है। और ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहे, जैनिज्म धर्म का मैसेज पहुँचाते गए लोगों तक, और जब तक कि इनकी मृत्यु नहीं हुई, 72 ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु हुई, इनकी डेथ हुई, तब तक ये जैनिज्म धर्म का मैसेज लोगों तक पहुंचाते रहे। और इनकी जो डेथ थी वो पावपुरी में हुई थी, राजगृह के पास बिहार में। द फॉलोवर्स ऑफ जैनिज्म और द जैन्स बिलीव दैट देयर वर 24 तीर्थंकर्स ऑफ विच ऋषभदेव वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर एंड वर्धमान महावीर द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर, ठीक है। अब जो जैनिज्म धर्म के फॉलोवर हैं और जो जैन्स हैं, उनका मानना है कि टोटल 24 तीर्थंकर्स थे। तीर्थंकर्स मतलब ग्रेट टीचर्स और पर्सन्स हु हैव अचीव्ड एनलाइटमेंट एंड शो द वे टू अदर्स, ठीक है। तीर्थंकर्स उन्हें कहा गया, जो महान टीचर्स थे, वो व्यक्ति जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने सही रास्ता लोगों को दिखाया था, उन्हें तीर्थंकर्स कहा गया। तो जो जैन धर्म के फॉलोवर्स हैं, उनका मानना है कि 24 तीर्थंकर्स थे, जिनमें से ऋषभदेव जो थे वो पहले तीर्थंकर थे और वर्धमान महावीर जो थे वो 24th मतलब कि लास्ट तीर्थंकर थे। नेक्स्ट इज टीचिंग ऑफ जैनिज्म। अब जैनिज्म धर्म में क्या बताया गया, क्या पढ़ाया गया, उनकी टीचिंग्स क्या थी। सो लाइक द बुद्धा, महावीर टू ट्रैवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ जैनिज्म टू द पीपल। बुद्धा की तरह महावीर भी ट्रैवल किए एक जगह से दूसरी जगह, जैन धर्म का मैसेज लोगों तक उन्होंने पहुंचाया। ही यूज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल टू स्प्रेड हिज टीचिंग एंड आइडियाज़, और इन्होंने लोगों की ही भाषा का इस्तेमाल किया अपनी टीचिंग्स और आइडियाज़ को लोगों तक पहुँचाने में। ही एडवोकेटेड थ्री रत्नास, थ्री प्रिंसिपल्स और थ्री ज्वेल्स as they are referred to, they are right belief, right knowledge and right action। तो इनके भी तीन सिद्धांत थे, तीन principles थे, ठीक है, वो थे right belief, right knowledge और right action। so he believed in leading a simple life, ये एक साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते थे। ही एडवोकेटेड अहिंसा, नॉन वायलेंस टूवर्ड्स ऑल लिविंग थिंग्स, इन्होंने अहिंसा को प्रीस्ट किया हर लिविंग थिंग्स की तरफ, ठीक है, अहिंसा का पालन किया। द रूल्स ऑफ अहिंसा वर टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, और इनका मानना था कि जो अहिंसा के नियम हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। पीपल वर नॉट टू हर्ट और किल एनी लिविंग थिंग, नॉट इवन एन आंट, लोगों को किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, इवन किसी भी लिविंग थिंग को हर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो एक चींटी ही क्यों ना हो। सो महावीर डिड नॉट बिलीव इन रिलीजियस रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस एंड सेरेमनीज, महावीर जो है वो किसी भी तरह के धार्मिक रीति रिवाजों में, सेक्रीफाइसेस, समझौतों में, आयोजनों में विश्वास नहीं रखते थे। ही ऑल्सो अपोज्ड द कास्ट सिस्टम एंड कंसीडर्ड ऑल पीपल टू बी इक्वल, और ये कास्ट सिस्टम को भी नहीं मानते थे और ये हर व्यक्ति को इक्वल समझते थे। अकॉर्डिंग टू हिम अ पर्सन्स कर्म actions in this life decide how his life would be in his next birth। इनका मानना था, इनके अनुसार जो व्यक्ति के कर्म होते हैं, उनके जो actions होते हैं इस जीवन में, वो ही decide करते हैं कि उनकी आने वाला जो जीवन है, उनका जो next birth है, जब दोबारा वो जन्म लेंगे, वो कैसा होगा, ठीक है। तो थ्रू अ सिंपल disciplined एंड balanced लाइफ वन कैन अटेन फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। और उनका मानना था कि एक साधारण डिसिप्लिन जीवन और एक बैलेंस्ड जीवन जी के, ठीक है, इंसान जो है वो मुक्ति पा सकता है बर्थ और रीबर्थ की साइकिल से। सो हिज फॉलोवर्स हैड टू गिव अप ऑल देयर पोजिशंस एंड टेक टू अ लाइफ ऑफ एक्सेप्टिंग आल्म्स। इनके जो फॉलोवर होते थे
उनको अपना जो जितनी भी संपत्ति होती थी उसको त्यागना पड़ता था, और जो दान होता है उसे एक्सेप्ट करना पड़ता था अपने जीवन में। और द मैन वर नॉट इवन अलाउड टू वेयर क्लोथ्स, और जो मैन होते हैं ठीक है इस धर्म में जैन धर्म में, उन्हें ये तक नहीं अलाउ होता है कि वो कपड़े भी पहने, ठीक है क्लोथ्स भी वो नहीं पहन सकते। सो आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर जैनिज्म ब्रांच्ड इन टू टू ग्रुप्स, अब महावीर की डेथ के बाद जैनिज्म धर्म भी दो ग्रुप्स में, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। दे आर द दिगंबर्स स्काई क्लैड हु डू नॉट वेयर एनी क्लोथ्स एंड फॉलो द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ महावीर, एंड द श्वेतांबर्स वाइट क्लैड हु वेयर वाइट क्लोथ्स एंड डू नॉट लीड अ लाइफ ऑफ हार्ड पेनेंस। ठीक है, अब दिगंबर जो थे वो स्काई क्लैड थे जो कि कोई भी किसी भी तरह के वस्त्र कपड़े नहीं पहनते थे, और ओरिजिनल टीचिंग्स जो थी महावीर की उन्हें फॉलो करते थे। और श्वेतांबर जो थे वो वाइट क्लैड, ठीक है, जो कि वाइट कलर के कपड़े पहनते थे और बहुत ही कठोर जीवन नहीं जीते थे। ठीक है, पेनेंस का मतलब होता है एन एक्ट शोइंग सोरो और रिग्रेट। ठीक है, कोई भी एक्ट जो कि शो करता है सोरो या फिर रिग्रेट को, इस तरह का जीवन उन्हें नहीं जीना पड़ता था श्वेतांबर्स को। सो ये दो ब्रांचेस थी जिसमें जैन धर्म जो था वो डिवाइडेड हुआ। सो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो। थैंक यू।